हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच से फिर से एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिली। दरअसल सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो सुपर डांसर सीजन 4 कुछ ही टाइम पहले ओवर हुआ है। इस शो में कंटेस्टेंट अंशिका के कोरियोग्राफर थे आर्यन पात्रा। तब अंशिका एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थी, बट उनका और आर्यन का जल्द ही शो से एलिमिनेशन हो गया, जिसकी वजह से आर्यन पात्रा की मदर लक्ष्मी पात्रा बेहद नाराज हुई और उन्होंने उस शो के खिलाफ आवाज भी उठाई। अब ऐसी ही खबर इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के मंच से आ रही है, जब पिछले वीक रक्तिम आर्यन पात्रा और अंशिका की डांस परफॉर्मेंस को मिले थे फुल स्कोर्स। लेकिन लक्ष्मी पात्रा ने सोशल मीडिया में नाराजगी जताकर एक बात का खुलासा किया कि रक्तिम आर्यन और अंशिका को स्टेज पर जजेस की तरफ से परफॉर्मेंस ऑफ द डे मिला, पर उसे टीवी पर नहीं दिखाया गया, जिसके लिए आर्यन की मदर ने नाराजगी जताते हुए इंस्टा हैंडल पर स्टोरी डाली, जिसमें लिखा था, परफॉर्मेंस ऑफ द डे जब आप लोग रैन यानी रक्तिम और आर्यन को दिए तो टीवी में क्यों नहीं दिखाया गया, ये नाइंसाफी क्यों, ऐसा बिहेवियर क्यों, और तीनों जजेस और सोनी टीवी को टैग किया गया। आखिर लक्ष्मी पात्रा ने जो स्टोरी में डाला वो सच था? अभी तक लक्ष्मी पात्रा के एक्यूजेशन का कोई जवाब ना ही सोनी टीवी की तरफ से आया और ना ही जजेस की तरफ से। आखिर रक्तिम और आर्यन को परफॉर्मेंस ऑफ द डे क्यों नहीं दिया गया? इससे रियलिटी शोज की रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। तो इतनी ओपनली आर्यन की मॉम का जजेस और शो पर एक्यूजेशन की वजह से क्या पड़ सकता है आर्यन पात्रा के फ्यूचर पर असर? क्या कहना है आपका इस सीरियस टॉपिक पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर डालें और ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।